प्रश्न प्रवेश एडमिटेंस की इकाई क्या है? उत्तर सीमेंस। अगला प्रश्न, दो साइनसोइडल धाराएं आई वन बराबर है 100 साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन थ्री द्वारा दी जाती है और आई टू बराबर है 150 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बटे चार है, उनके बीच का चरण अंतर कितने डिग्री होगा? उत्तर 105 डिग्री। अगला प्रश्न, यदि प्रतिबाधा जेड वन बराबर है 30 डिग्री और जेड टू 15 डिग्री है तो जेड वन गुणा जेड टू का मान क्या होगा? उत्तर 450 कोण 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, एक समय स्थिरांक में एक संधारित्र अपने चार्ज का खाली स्थान प्रतिशत डिस्चार्ज करता है? उत्तर 63.2। अगला प्रश्न, आरएमएस अर्ध तरंग परिशोधित धारा का मान 100 एम्पीयर है, पूर्ण तरंग परिशोधन के लिए इसका मान क्या होगा? उत्तर 141.4। अगला प्रश्न, प्रतिबाधा जेड वन 30 कोण 30 डिग्री और जेड टू 15 कोण 15 डिग्री, जेड वन अपॉन जेड टू का मान क्या होगा? उत्तर 2 कोण 15 डिग्री। अगला प्रश्न है, आर एल और सी ट्रांसमिशन के विपरीत तत्व? उत्तर हाँ। अगला प्रश्न है, दो वोल्टेज समीकरणों से ई वन बराबर है ई एम मैक्स साइन 100 एल टी और ई टू ई मैक्स साइन 100 पाई टी प्लस पाई बटे 6, यह स्पष्ट है कि दो अपना अधिकतम मान 1 से 1.6 सेकंड पहले प्राप्त कर लेता है? प्रश्न, फॉर्म फैक्टर का अनुपात है? उत्तर आर एम एस वैल्यू से औसत वैल्यू। अगला प्रश्न, एक चरण फेजर है? उत्तर, एक रेखा जो एक परिवर्तनशील मात्रा के परिमाण और चरण का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है, किन आवर्तियों पर समानांतर आर एल सर्किट विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक के रूप में व्यवहार करता है? उत्तर बहुत उच्च आवर्तियों पर। अगला प्रश्न, किस तरंग में शिखर कारक का मान सबसे अधिक होता है? उत्तर हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव में। अगला प्रश्न, बैंड पास फिल्टर में संत तत्व होता है? उत्तर एल और सी का समानांतर संयोजन। अगला प्रश्न, भारत में घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवर्ती है? उत्तर 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न, शुद्ध कोष फलन का आर एम एस मान क्या है? उत्तर शिखर मान का 0.707। अगला प्रश्न, आर एल सी सर्किट का गुणवत्ता कारक बढ़ जाता है यदि? उत्तर आर घटता है। प्रश्न, शुद्ध प्रेरक परिपथ का शक्ति कारक खाली स्थान? उत्तर 0। अगला प्रश्न, कैपेसिटिव सर्किट का समय स्थिरांक बढ़ाता है? उत्तर धारिता में वृद्धि और प्रतिरोध में वृद्धि। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है? उत्तर 1 सेकंड में एक बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। अगला प्रश्न, इंडक्टर्स को क्यू फैक्टर के खाली स्थान मान रखने के लिए डिजाइन किया जाता है? उत्तर उच्च मान के लिए। अगला प्रश्न, अनुनाद पर एक श्रृंखला परिपथ में क्या घटित होता है? उत्तर V=VR, XL बराबर XLC और जेड बराबर है एल आर और वी एल बराबर है वी सी। अगला प्रश्न, एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट को दर्शाया जाता है? उत्तर वी बराबर है वी मैक्स साइन थीटा और आई बराबर है ई मैक्स साइन थीटा प्लस ओमेगा शक्ति कारक है। उत्तर क्योंकि ओमेगा अग्रणी है। अगला प्रश्न, वाटलेस वाट प्रतिरोध को संदर्भित करता? उत्तर नहीं। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की ध्रुवता में परिवर्तन के साथ धारा भी अपनी दिशा उल्टा देती है? उत्तर हाँ। प्रश्न, एक सामान्य सार्वभौमिक मापक यंत्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान दर्शाया जाता है? उत्तर आई आर एम एस। अगला प्रश्न, एक असीमित प्रत्यावर्ती धारा के मामले में औसत मान हमेशा खालिस्तान चक्र पर लिया जाना चाहिए? उत्तर संपूर्ण चक्र पर। अगला प्रश्न है, आर एम एस साइनसोइडल एसी धारा का मान खालिस्तान डिग्री के कोण पर इसके मान के बराबर होता है? उत्तर 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज वोल्ट में अभिव्यक्त वी बराबर है 326 साइन 314 टी द्वारा दिया गया, इसका आर एम एस वैल्यू आवर्ती है? उत्तर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न, एक आर एल सी सर्किट में अनुनाद आवृत्ति पर प्रतिरोध पर वोल्टेज लागू वोल्टेज के बराबर होता है? उत्तर हाँ। अगला प्रश्न, कैपेसिटिव रिएक्शन कब अधिक होता है? उत्तर धारिता कम है और आपूर्ति की आवृत्ति कम है। अगला प्रश्न, तापीय प्रभाव के संबंध में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान चयन किसके अनुसार किया जाता है? उत्तर आरएमएस वैल्यू में।